रहमान रहीम लाहौर की सरजमीन से अब्दुल तवाब आपकी खिदमत में फिर दोबारा से हाजिर है। नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ महफिल थिएटर के बैक स्टेज पर और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निदा चौधरी साहिबा, जो कि सुपरस्टार हैं, जिनको पूरा पाकिस्तान जानता है, किसी तारफ की मोहताज नहीं। और अब चलते हैं निदा चौधरी साहिबा की तरफ और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी एक्टिंग स्किल्स दूसरी लड़कियों की बनस्बत बहुत अच्छी है, चूँकि आपका तजर्बा भी है, एक्सपीरियंस भी है जी। तो आपके हाँ डांस का तो बाकायदगी के साथ क्लासेज होती हैं, लेकिन आपकी जो एक्टिंग स्किल्स हैं आपकी इस फील्ड के अंदर जी, जो दीगर लड़कियों को मैंने ऑब्जर्व किया है, देखा है, एक्टिंग स्किल्स उनके अंदर बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल सी है, मुझे भी पता है, मगर वो काम से नहीं जीतती, वो ज़्यादा फैनों से जीतती हैं। तो जब हमारा दौर था तो हम ना मेहनत करते थे अपने उस्तादों से, और हम बहुत ज़्यादा स्टार्स थी, और जिसमें थी मैं नर्गस थी, खुशबू थी, दीदार थी, दिगा जी थी, हिना शिन थी, और बहुत सारा ये थी, ये मेहनत करते थे, इनको देख के हमने भी मेहनत की, जैसे हमारे सीनियर मेहनती थे इसकी तरह हम भी मेहनत। आजकल के लड़कियों का और लड़कों का मुझे पता नहीं है कि वो इतनी मेहनत क्यों नहीं करती, इसलिए जवाल आ रहा है। तो कुछ आर्टिस्ट और करना चाह रहे हैं हमारे मैं अब कहना नहीं चाहती, आप समझ तो गए होंगे, आवाम भी समझ जाएगी, वो कुछ और करना चाहते हैं और कुछ और कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, और मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से नाम बनता है, मेहनत से लोग लाइक करते हैं, और लोगों का रुझान जो कम हो रहा है इसकी वजह से हो। अच्छा, एक्टिंग स्किल्स के वाले से आप क्या कहना चाहेंगे, एक्टिंग स्किल्स किस तरीके से इम्प्रूव की जा सकती? मेरे कहने का मतलब यही है कि आवाम को आप बेहतर अच्छा ड्रामा दें, और हमने तो अपने साथ लगाए हैं जो हमें रेहर्सल करवाते हैं, हम तो अपनी पूरी मेहनत करते हैं, जो आर्टिस्ट है वो उनको क्लासे देनी चाहिए, कोई आर्टिस्ट आए, कोई अच्छा आर्टिस्ट आए, इनको क्लासे दे और इनको समझाए एक्टिंग कैसे की जाती है, कैसे नहीं की जाती है। जो हमारे सीनियर जो फनकार है, आर्टिस्ट है, लड़के हैं, उन्होंने तो बहुत मेहनत की है, जो आजकल के फनकार हैं वो कर नहीं रहे, उनको चाहिए कि उनको देख कर अच्छा काम करना चाहिए, और हम जो कर रहे हैं हमें तो अभी तक क्लासे लेते हैं अपने उस्तादों से और काम करते हैं। पहले तो आपके ड्रामास देखने के लिए फैमिली आया करती थी, अब उसके मुकाबले में बहुत कम लोग आते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी, क्या वजह है? देख मेरी बात में, जब मैं शोबिज में आई थी तभी फैमिली का रुझान कम हो चुका हुआ था, तो मजीद होता जा रहा था, और ये होना नहीं चाहिए, आप बच्चे उमदा ड्रामे देंगे, आवाम आएगी, स्क्रिप्ट के मुताबिक ड्रामा चलाएंगे तो आवाम आएगी, अब स्क्रिप्ट के मुताबिक ड्रामा होता ही नहीं है, चार बातें उसने कर ली, वो आपस में वो करके बातें चले जाते हैं, और स्क्रिप्ट की तरफ तो कोई देखता ही नहीं, पहले की बातें थी जो अब नहीं है। सायरा बानो से निदा चौधरी तक का सफर कैसा रहा? बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत। तो कितना साल लगे आपको इस मतलब करियर को बनाने में और इस मुकाम को पाने में? हाँ, मुझे हो गई है 16-17 साल। अच्छा, आपकी इतनी स्मार्ट होने की वजह क्या है, क्या खाती है? मैं स्मार्ट हूँ ना, झूठ बोलती लगता तो नहीं है रियली, मैं इंसान को, जो इंसान कुछ भी नहीं खाता वो फैलता है, फूटता होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई चीज छोड़ती नहीं हूँ, बहुत खाती हूँ मैं। अच्छा, आपने पाकिस्तान खाने पीने का शौक है, पाकिस्तान में आपने परफॉर्मेंसेस दिखाई, पाकिस्तान के बाहर भी? तो पाकिस्तान से बाहर किन किन ममालिक के अंदर आपने परफॉर्म किया? मैं पूरे यूरोप गई हूँ, और उसके बाद दो था ये लंदन गई हूँ, उसके अलावा मैं दुबई बहुत गई हूँ, सारी दुनिया देखी है, आधी दुनिया देख ली है। और लगे आजाद चेहरे के देखने वालों क्या पैगाम? मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ये हमारे अच्छे अच्छे इंटरव्यू आपको दिखाएँ, ये बहुत अच्छा चैनल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।